Namaste and greetings of the day, students. My name is John. और आज हम लोग फिर से अपना एक इंट्रोडक्शन के पार्ट को कंप्लीट करने के लिए आगे आए हैं. सो जिसमें अगर बात करें, जैसे हमने लास्ट अपने वीडियो में बात करी थी, हमने लोगों ने कहा था, जिस नोट पे हमने ख़त्म किया था वो था बहुत सिंपल रखना है. इट हैज़ टू बी वेरी सिंपल. ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना है. बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल थोड़ा सा अवॉइड करेंगे. और अगर हम बात करें बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करना, तो हम लोग कर सकते हैं. हम लोग अपनी वोकैबुलरी का जितना भरपूर इस्तेमाल करना चाहें हम लोग कर सकते हैं. लेकिन जैसे हर एक चीज़ की अपनी जगह होती है, हर एक काम की अपनी जगह होती है, वैसे ही सही वोकैबुलरी का इस्तेमाल करना भी एक सही वक्त पर ज़रूरी होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास लेक्चरेट भी आएगा, हमारे सामने ग्रुप डिस्कशन के भी टास्क रहेंगे, जिसमें कि हम लोग अपनी वोकैबुलरी को इस्तेमाल कर सकते हैं. जहाँ पे अगर हम इंटरव्यू की बात करें, सो इंटरव्यूज़ में हम लोग थोड़ा सा जो भारी भरकम शब्द होते हैं उनसे थोड़ा सा उनको थोड़ा सा वक्त के लिए अलग करके रखते हैं, राइट? तो इस चीज़ पे हम लोग ने ये चीज़ डिस्कस करी थी. अभी के लिए जैसे हम बात करें, जब लास्ट हमने कहा था कि हम बताएंगे कि आपको हमने एंड को क्यों कहा था कि एंड को ला के रखना है, कंजंक्शन को. जैसे ये एंड यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है, एक एंड यहाँ पे भी आया है, ठीक. अब ये क्यों, मेनी टाइम्स जब भी हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं तो अक्सर हम लोग वो चीज़ें बोलते हैं जो कि हमने देख करके याद करी होती हैं. अब उस वजह से हमारा जो इंट्रोडक्शन होता है वो बिल्कुल एक बुलेट पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरह लगता है. फॉर एग्जाम्पल, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, माई नेम इज जॉन, आई एम फ्रॉम लखनऊ, I did my graduation and post-graduation. अब ये जो चीज़ हम बात कर रहे हैं तो ये बड़ा है, ऐसा लग रहा है कि हम बुलेट पॉइंट्स के हिसाब से माइंड में अपने पॉइंट्स को लेके चल रहे हैं. इस चीज़ को हमें थोड़ा सा अवॉइड करना है. हमें देखो, इंटरव्यू का मेन मकसद है कि वो इंटरैक्ट करेंगे आपसे, और जब इंग्लिश में इंटरेक्शन हो रहा है तो उनको इंटरेक्शन चाहिए, उनको एक, जैसे हम हिंदी में कहें, उनको एक वार्तालाप चाहिए आपके साथ, ठीक. बातचीत करना है उनको, एक कॉन्वर्सेशन करना है जिसमें कि वो आपकी पर्सनालिटी को और अच्छे से पर्सनल लेवल पे देख सकें कि हाँ, आप फिट हैं मेंटली, कम्युनिकेशन वाइज. इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि आप फिट हैं, कि आप डिफेंस में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते. बाकी कुछ इंफॉर्मेशन, जेनरिक इंफॉर्मेशन के लिए भी इंटरव्यूज में सवाल जवाब होते हैं. भाई, एजुकेशन कहाँ से करी, कितना परसेंटेज आया था आपका, ग्रेजुएशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फादर कहाँ पे जॉब करते हैं. देर आर मेनी थिंग्स जो कि इंटरव्यू में पूछी जाती है, राइट. अब कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना है हमें कि अब जो भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो ऐसे नहीं लगनी चाहिए कि हम रट के आए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग मेंटली प्रिपेयर होकर तो जाएंगे. लेकिन जब हम लोग वहां पे बातचीत कर रहे हैं तो उस दौरान ये जाहिर नहीं होना है कि हम रट के आए हैं अपने जवाब. इसलिए हमने ये कंजंक्शंस का इस्तेमाल किया. फॉर एग्जाम्पल, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, माई कंप्लीट नेम इज, आपने अपना नाम बताया, एंड आई एम फ्रॉम जो भी जगह से आप आए. अब ये चीज अगर मान लो, जैसे हम अपना एग्जाम्पल लेके चले, तो मैं अगर मैं बोल रहा हूं तो मैंने बोला ग्रीटिंग्स ऑफ द डे एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, माय कंप्लीट नेम इज सो एंड सो एंड आई एम फ्रॉम. अब ये चीज ऐसा लगा कि हम उसी वक्त ऑन स्पॉट किसी ने हमसे सवाल पूछा, हम जवाब दे रहे हैं. ये कंजंक्शन लगने से ये जाहिर नहीं होगा या ये सामने वाले को बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप जो है कोई चीज रट के आए थे, इजंट इट? सो एक ये छोटी सी चीज जिसकी वजह से हमने एंड लगाया. अब आगे बढ़े तो एजुकेशन एंड स्ट्रेंथ. लेट मी रिमाइंड यू, मेनी टाइम्स कई बार हम लोग अपनी फैमिलीज को भी ले आते हैं, और फैमिली के इंट्रोडक्शन में जाहिर सी बात है हमने लोग बात करते हैं कि भाई हमने अपना नेम बताया, और नेम के बाद फिर हमने अपनी फैमिली बताई. ज़रूरी है फैमिली बताना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. लेकिन अभी आपका इंटरव्यू चल रहा है, सो दे आर मोर इंटरेस्टेड इन यू फर्स्ट. आप में ज़्यादा वो इंटरेस्टेड है,
आपकी खूबियां, आपकी खामियां, आपके जो भी क्वालिटीज हैं वो आपसे पहले वो जानना मांगते हैं। फैमिली जरूरी है लेकिन फैमिली का आना अभी जरूरी नहीं है। सो फॉर नाउ अभी हमने नेम लिया, नेम के बाद हमने अपना एजुकेशन लिया, नेम प्लेस एंड एजुकेशन। ठीक, सो फिर से ग्रीट, ग्रैटिट्यूड, नेम, प्लेस एंड एजुकेशन। अब एजुकेशन में जब भी हम लोग अपनी कोई भी चीज बताएंगे तो हम लोग एक एक्स्ट्रा, देखो मैंने यहां पे लिख रखा है इन एजुकेशन, और उसके पहले हमने यहां पे एक क्रॉस लगा रखा है। इन एजुकेशन हमें अलग से हेडिंग दे करके नहीं बताना है, हमें सिर्फ बताना है कि भाई मैंने अपनी एजुकेशन यहां यहां से करी। सो हमने बताया आई डिड माय जो भी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, फ्रॉम स्कूल एंड प्लेस। तो ये सेंटेंस हमारा रहा, ये नहीं करना है। इन एजुकेशन आई डिड माय, नो, आई डिड माय एजुकेशन, आई डिड माय हाई स्कूल या आई डिड माय इंटरमीडिएट, अभी हमने अपना वो बताया। एक्स्ट्रा हेडिंग वी डोंट हैव टू गिव। ओके, नेक्स्ट, जब एजुकेशन बताया, एजुकेशन के बाद आया हमारा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में हमने बताया अपना, अब स्ट्रेंथ के साथ भी वही चीज है, अक्सर लोग इन माय स्ट्रेंथ्स करके अलग से हेडिंग दे करके अपना स्ट्रेंथ्स बताते हैं। ठीक है, लोग बताते हैं, बता लेते हैं, लेकिन सोचो कि जो पैटर्न आपसे पहले आए वाले बंदे कर रहे हैं वही पैटर्न एक आपके बाद आएंगे वो भी करेंगे, और वही पैटर्न में आप भी इंट्रोडक्शन दे रहे हो, तो उस आप में ऐसी यूनिक सी चीज क्या है? ठीक है, इंट्रोडक्शन जो इंटरव्यू है उसमें जो इंट्रोडक्शन लिया जा रहा है उसमें क्वेश्चन आपके ही इंट्रोडक्शन में से वो लोग सवाल जवाब निकाल लें, क्वेश्चन आंसर निकाल, क्वेश्चन निकाल लें, उसके बेसिस पे आप आंसर दे रहे हो, तो ये क्या चल रहा है? ये कॉन्वर्सेशन चल रहा है। आपके कॉन्वर्सेशन से वो ये चेक कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है, आप में कॉन्फिडेंस कैसा है, आपकी क्वालिटीज कैसी हैं, और इन सारी चीज़ों को लेकर के आप कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो, आपका कम्युनिकेशन लेवल कैसा है, हाउ गुड यू आर इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें आपका बॉडी लैंग्वेज भी आ जाएगा जो कि हम लोग आने वाले सेशंस में करेंगे। इसमें हमारे कुछ ग्रामेटिकल सेंटेंसेस भी हैं जो कि थोड़े से इजी हैं लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा लगता है कि यार कुछ ज़्यादा ही ग्रामर आ रही है, लेकिन वो भी है एक हिस्सा इसका, हम वो भी बाद में कवर करेंगे। लेकिन अभी अगर हम लोग सिंपल, अगर सिंपल जेनरिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलें तो उसके हिसाब से हमें लगता है कि भाई हम थोड़ा सा अपने जो रिस्पॉन्सेज हैं वो थोड़े से यूनिक रखें। So, हमने हेडिंग्स हटा दी, वी आर नॉट गोइंग टू यूज एक्स्ट्रा हेडिंग्स, नो, ये हटाया हमने। इन माई स्ट्रेंथ्स, नो, ठीक है, वो तो अगला जानता ही कि उसने क्या पूछा है, तो उसको दोबारा दोहरा करके बताने की जरूरत नहीं है हमें कि इन माई स्ट्रेंथ्स, उसी ने पूछा व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, सो यू सिंपली स्टार्ट विद योर रिस्पॉन्स। आप रिस्पॉन्स में शुरू करें, आपने कहा आई बिलीव, ठीक, आई बिलीव से हमें अपनी स्ट्रेंथ्स बतानी है। आई थिंक को देखो मैंने क्रॉस लगा रखा है, बिलीव और थिंक में थोड़ा सा डिफरेंस है। थिंक में जाहिर सी बात है आप सोचते हो, और बिलीव में जाहिर सी बात है आपका पूरा पूरा मानना है। ओके, सो स्ट्रेंथ्स, आई बिलीव आई हैव दिस 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 या दैट दैट दैट, ये चीज, ठीक। सो नाउ अभी के लिए ग्रीटिंग्स, gratitude, complete name, place, I am from, education, I did my high school या intermediate, and I believe, अगर strengths हम लोग अपनी तरफ से बता रहे हैं तो I believe my strengths are, जो भी है, ठीक। So अभी के लिए इतना, next हम लोग strengths और weakness को कैसे बताना है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा discuss करेंगे। All right, have a nice day and Jai Hind.